आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ। हरियाणा न्यूज 24 और सभी का स्वागत है। मैं हूं मुन्ना लामा, मेरे सहयोगी प्रिंस रामा के साथ हम मैनेगढ़ विधानसभा ब्लॉक सतनाली में आज मौजूद हैं। और मेरे पीछे देख रहे हैं एक खास वाक्य को, एक खास एक मूवमेंट को लेकर हम आज यहाँ मौजूद हुए हैं। एक सतनाली को लेकर मिथ्या चलाई गई थी और वो काफ़ी वर्षों से चलती आ रही थी मिथ्या, कि यहाँ जो भी कोई मुख्यमंत्री एक बार यहाँ जितने कदम रखे इस क्षेत्र में, सतनाली नहीं इस क्षेत्र के आसपास के किसी गांव में भी वो दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बन पाया। परंतु जन आशीर्वाद यात्रा को लेकर मुख्यमंत्री यहाँ से निकले थे, उसके बाद यहाँ सतनाली में पहुँचे, उसके बाद फिर वो ही राह अलापा गया मिथ्या को। फिर दोबारा से कई समाचार पत्रों ने प्रमुखता से उठाया कि मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे, सतनाली एक अभिशाप है, सतनाली पता नहीं, कई कई बातें सुनने को मिली, सोशल मीडिया पे देखने को मिली, सुनने को मिली। परंतु उस चीज़ को मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दोबारा मुख्यमंत्री बनके उस मिथ्या को तोड़ दिया। मेरे साथ मौजूद हैं प्रबुद्ध बुद्धिजीवी सतनाली के, जो समाज सेवी हैं और प्रबुद्ध बुद्धिजीवी हैं, बल्ली सिंह शेखावत, एडवोकेट पवन शेखावत और पूर्व सरपंच नरेश गोपलवास, और हमारे दीवान सिंह शेखावत, चंद्र प्रकाश जी शेखावत, और ये हमारे बीच राठौड़ साहब हैं, दिग्विजय नरेश शेखावत और नंबरदार पूर्ण सिंह हैं। बाकी और सारे हमारे साथ यहाँ काफ़ी लोग बुद्धिजीवी जो बैठे हुए हैं, जो साफ तस्वीरों में देख रहे हैं, हम उनसे बारी बारी जानेंगे क्या वास्तव में ही जो ये मिथ्या चलाई गई थी, क्या वास्तव में ही ये खाली सतनाली का विकास को रोकने के लिए, सतनाली क्षेत्र के कोई विकास ना हो, यहाँ लोग ऊपर नहीं उठ सके, इन्हीं सब चीज़ों को एक विराम देने के लिए यह मिथ्या चलाई गई थी। अब सारी बातें हम सबसे पहले जानते हैं यहाँ जो बुद्धिजीवी हैं, दीवान सिंह शेखावत। शेखावत साहब, हरियाणा न्यूज 24 आपका स्वागत है। धन्यवाद मुन्ना लांबा जी। सर, मैं आपसे एक बात जानना चाहूँगा। सबसे पहले 1967 में, हम कुछ दर्शकों को पहले बताना चाहेंगे जो मिथ्या चलाई गई थी उसके हिसाब से, 1967 में भगवत दयाल शर्मा जो फर्स्ट CM थे, भिवानी से नारनौल जाते हुए सतनाली से गुजरे थे, ठीक है साहब, तो वहाँ दोबारा वो CM नहीं बन पाई, ये मिथ्या चलाई गई थी। उस समय अखबारों में काफ़ी ये चीज़ें कई अखबारों ने उठाई थी। उसके बाद 1988 में जिन्हें जननायक की उपाधि दी है ताऊ देवीलाल, वो यहाँ माँ दुगढ़ जनसभा में संबोधित की उन्होंने, पर तो हरियाणा के मुख्यमंत्री वो भी दोबारा नहीं बन पाई। उसके बाद बनारसी दास गुप्ता कोई जनसभा नहीं की, इधर से खाली वो गुजरे थे, दुकानदार से बातचीत की थी, वो भी यहाँ CM नहीं बन पाई। तो दीवान जी, हम आपसे जानना चाहेंगे इस बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है, मिथ्या टूट चुकी है, मुख्यमंत्री ने यह मिथ्या को तोड़ दिया है मनोहर लाल जी ने, आपका इस बारे में क्या कहना है, क्या वास्तव में ही सतनाली के विकास को रोकने के लिए इस तरीके की बातें फैलाई गई थी? मुन्ना लांबा जी, ये बिल्कुल निराधार बातें हैं। सतनाली के कुछ दुश्मन, मैं तो मेरे शब्दों में उनको सतनाली के दुश्मन कहूँगा, वो लोग एक गिरोह बना के सतनाली के विकास को रोकने के लिए कि सतनाली कहीं आगे न बढ़ जाए, जब जब किसी मुख्यमंत्री का प्रोग्राम बनता है तो ये लोग प्रेस से साठगांठ करके एक खबर चलवाते हैं कि क्या फलां मुख्यमंत्री कोई करिश्मा कर पाएगा, पीछे फलां 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 आए, सतनाली में जलसे किए या सतनाली में रुके या सतनाली के आसपास से होके गुजरे, तो वो CM नहीं बन पाए। मैं बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में आपको बता देना चाहता हूँ कि ये बिल्कुल मिथ्या धारणा थी, जो श्रीमान मनोहर लाल खट्टर जी ने शपथ ग्रहण करते ही ये सारी धारणाएं चूर चूर हो गई हैं। मैं उन लोगों को एक चेतावनी देना चाहता हूँ कि जो पुराने समय से सतनाली के खिलाफ साजिश रख के जो अनाप शनाप बक्के जो धारणाएं फैला रहे हैं, उन लोगों को बाहर जाना चाहिए, इसमें सतनाली का कोई दोष कभी नहीं रहा। अब एक बात वो कहते हैं कि सरदार प्रताप सिंह कैरोजी सतनाली में आए थे और उसके 7 दिन बाद उनकी कहीं सोनीपत में हत्या हो गई, तो उस हत्या का दोष भी वो सतनाली को देते हैं। वो भले आदमी कहते हैं कि पंडित भगवत दयाल शर्मा जी तत्कालीन मुख्यमंत्री थे, उनको भिवानी से चल के नारनौल जाना था, वो सतनाली होके गुजरे, इसलिए वो मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। अरे भले आदमियों, भिवानी से और नारनौल पहुंचने में कितने गांव, कितने डाणियां, कितने शहर आते हैं बीच में, सतनाली को अकेली को क्यों दोष देते हो आप लोग? ये वैज्ञानिक तथ्य तो है नहीं। यानी कि कहने के सतनाली को पूरे हरियाणा प्रदेश में बदनाम कर दिया गया। हाँ जी मुन्ना लांबा जी, हम विकास की दृष्टि से आपके क्या विचार है, पिछड़ा है वास्तव में सतनाली, इतनी वर्षों में कहीं ना कहीं पिछड़ेपन का शिकार होना पड़ा ही क्षेत्र का?
हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, इन निराधार खबरों की वजह से सतनाली का विकास प्रभावित हुआ है। पिछले दिनों जब हुड्डा साहब हरियाणा के मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने यहाँ पे सतनाली में गवर्नमेंट कॉलेज का उद्घाटन करने आना था, बाकी इन लोगों ने वही खबर फिर फैलाई, फिर टीवी पर और इसमें अपने अखबार में फैलाई, और हुड्डा साहब पता नहीं डर के ही, मैं तो यही कहूँगा डर के ही सतनाली में नहीं आ पाए और सतनाली का विकास इससे प्रभावित हुआ है। दीवान जी मैं दोबारा उठूँगा आपके पास, मेरे साथ बने रहिए आप, मेरे साथ यहाँ कुछ और भी बैठे हुए हैं, हम पहले पवन बाबू जी से जाना चाहेंगे। बाबू जी एक बात और यहाँ पे चौटाला को लेके आई है, मैं आपसे चौटाला पार्टी साहब काफ़ी वर्षों से हैं तो मैं आपसे चौटाला से ही एक बात जानना चाहूँगा। यहाँ पे जो चौटाला CM 2005 ओम पर का चौटाले थे, ठीक है सब, तो चुनाव के समय अपने प्रत्याशी राव बहादुर सिंह के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित किया था, लेकिन नतीजा वही ढाक के तीन पात। इसके बाद उनकी पार्टी सत्ता में नहीं आई और वो CM नहीं, सिलसिला वो कायम रहा, तो वास्तव में ही क्या उसके बाद वो CM नहीं बन पाए चौटाला? हरियाणा न्यूज़ 24 के सभी दर्शकों को राम राम। मुन्ना जी ऐसा है कि ये जो मिथ्या भावना है ये कुछ लोगों की भ्रम फैलाया हुआ है, सतनाली का विकास नहीं होना देना चाहते, इसमें किसी पार्टी या CM का कोई दोष नहीं है, ये सब एक साजिश के तहत हुआ है। और चौटाला दोबारा मुख्यमंत्री न बनना ये जनता के ऊपर था, जनता नहीं उसे उस ये बनात से भी कह रहे हैं, परंतु क्या है कि जनता और ये होता है और मीडिया के कुछ लोगों ने जो कि सतनाली के विरोधी थे उन्होंने ये एक साजिश के तहत इस चीज़ को फैलाया था, और सतनाली की जनता, सतनाली क्षेत्र के लोग, सभी पार्टियां ऐसी मिथ्या के प्रति सबको जागरूक कर रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, और ये जो धारणा फैलाई है इसको अब जाकर ये झूठा साबित हो गया है, परंतु ये तो झूठा था ही, एक साजिश के तहत रची गई थी। विकास के दृष्टि से कहीं ना कहीं पिछड़ा है इतने वर्षों में सतनाली, विकास के दृष्टि से इसीलिए पिछड़ा है क्योंकि यहाँ सतनाली के जो दुश्मन थे उन्होंने एक भ्रम फैलाया हुआ है, और इसीलिए कोई CM पता नहीं किस साजिश के तहत नहीं आते थे और इसी कारण सतनाली क्षेत्र पिछड़ा हुआ था। थैंक यू सर, मैं दोबारा लोगों के पास। सर क्या कह रहे थे चौटाला के बारे में आप? सर हाँ, हमारे पास नरेश शेखाव जी हैं जो चौटाला पार्टी से कई वर्षों से बने हुए हैं। सर बताइए। हाँ क्या क्या, सबसे पहले तो मुनाला लंबा साहब मैं सभी दर्शकों का धन्यवाद करता हूँ, और आपने जो बात बताई है कि चौधरी देवीलाल जी से लो पहले कि चौधरी देवीलाल जी यहाँ से गुजरे, बाद दरबार लगाया, उसके बाद चीफ मिनिस्टर बने। आपको बताना चाहता हूँ कि एक साल के बाद चौधरी देवीलाल जी देश के उप प्रधानमंत्री बने। और आप चौटाला साहब के बारे में कहते हो, चौटाला साहब जब चौधरी बंसीलाल जी की सरकार गिरी थी उस समय चीफ मिनिस्टर बने, और आपको भी पता होगा 1999 में अजय सिंह के लिए वोट मांगने के लिए भागरी सरपंच के घर के आगे जनसभा की थी, और उसके बाद 2000 में चौटाला साहब फिर दोबारा से चीफ मिनिस्टर बने। ये सब मिथ्या है, चौधरी बंसीलाल जी भी बार बार यहाँ आए हैं 2005 के बाद दोबारा बने। हाँ नहीं 2005 के बाद नहीं 2000 में आए पहले, हाँ 2000 में फिर दोबारा मुख्यमंत्री बन गए, चुनाव आम चुनाव दोबारा मुख्यमंत्री बन गए, तो ये तो मिथ्या प्रचार है उसका। और चौधरी बंसीलाल जी तो हमेशा ही सतनाली को अपना घर समझते थे, वो भी हर बार आते थे यहाँ पर, तो ये सब झूठा प्रचार है सतनाली के विकास को, क्षेत्र के विकास, क्षेत्र के विकास के बाद रोकने के लिए। ठीक है, हाँ सर क्या, कोई नहीं आप बोल दीजिए। क्या बोल रहे हैं? मैं तो एक बात बताऊँ सू, चौधरी बंसीलाल 1973 में CM था और वो हाँ वो सतनाली आए, फिर इलेक्शन हुए उस दोबारा चौधरी बंसीलाल CM बना, तो देवीलाल चौटाला 99 के अंदर CM बना, फिर इलेक्शन हुए एक साल के बाद फिर चौटाला साहब CM बने, अब मुख्यमंत्री मनोहर लाल CM थे, अब इलेक्शन हुआ फिर CM बने, ये झूठा प्रचार है। सतनाली के विकास को रोकने के, सतनाली का विकास अपने आप रुक जाएगा जब CM यहाँ नहीं आएगा, CM आएगा तो सतनाली का विकास होगा, CM नहीं आएगा तो विकास कैसे होगा? आप बताइए, हमारे साथ बल्ली शेखावत भी हैं, सर आप बताइए इस बारे में, अभी मिथ्या टूट चुकी है, मनोहर लाल आ चुके दोबारा बन चुके हैं, ये सब धारणा खत्म हो चुकी है। तो दर्शकों को मेरी तरफ से हार्दिक अभिनंदन, और मैं ये कहूँगा मुन्ना लाल अंबा जी,
अब ये सब झूठी बातें हैं, ये सिर्फ विकास को रोकने की बातें हैं, क्यों हमारे सतनाली इलाका एक बहुत ही पिछड़ा इलाका रह गया है। आपको पता है कि मुख्यमंत्री जब आते हैं घोषणाएं करके चले जाते हैं, उसके बाद घोषणाओं का भी काम नहीं होता। क्यों नहीं होता? अगर मुख्यमंत्री जी दोबारा आएंगे नहीं और तो उनको उलाना कौन देगा। इसलिए हमारी आज भी CHC काफ़ी सालों से पेंडिंग पड़ी हुई है। बस स्टैंड और इसका तो चलो अभी अभी हुआ है, लेकिन CHC तो आज से 10 साल पहले चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी इसका बोल के गए थे भी आपकी CHC बनेगी, लेकिन आज तक CHC नहीं बनी। तो इसीलिए तो हमारा इलाका पिछड़ा हुआ है और कुछ लोग इसको पिछड़ा ही रहना देना चाहते हैं, क्योंकि जब भी कोई चीफ मिनिस्टर जी का प्रोग्राम होता है वैसे अखबारों में TV में ऐसे चलवा दिया जाता है। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप ये ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ भ्रमित बातें हैं, लोग द्वारा फैलाई गई बातें हैं, इस पर कृपया ध्यान न दे और हमारी सतनाली में आगमन करें। जैसे मनोहर लाल खट्टर जी आए थे और दोबारा चीफ मिनिस्टर बन गए, तो मैं सभी से यही अनुरोध करूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है सर। सर आप बताइए, यहाँ आप भी सरपंच हैं पूर्व, तो विकास कार्य कहीं ना कहीं सतनाली के बाधित हुए हैं। बल्ली शेखावत ने भी बताया, सही बात बताइए इन्होंने, यहाँ CM आ तो जाते हैं, शिलान्यास कर जाते हैं, परंतु दोबारा मुख्यमंत्री यहाँ नहीं आ नहीं पाते, तो वो चीज़ें अक्षरीय नहीं चल पाती। जो बड़े बड़े जो यहाँ कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ठेकेदार, वो पूरा कभी कटते नहीं है, क्योंकि उनका पता है यहाँ CM नहीं आएगा, कोई कुछ तुम्हारा बिगाड़ने वाला नहीं है। तो ये आपका आपकी क्या राय इस बारे में? अभी मनोहर लाल ने तोड़ दिया है ये मिथ्ये, वो दोबारा CM बन चुके हैं। सतनाली में जो कलंक लगाया गया था लोगों ने षड्यंत्र करके, भाई यहाँ कुछ विकास नहीं हो, अभी दीवान शेखावत ने बताया कुछ षड्यंत्रकारियों ने ये षड्यंत्र रच के विकास को बाधित किया। सबसे पहले तो उन्होंने लंबा सबको राम राम। ये है जी, मुख्यमंत्री मनोहर लाल और भाई दुष्यंत चौटाला, आपकी बार जो भी कमी रही है उनको कोशिश करवाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ काम बने। थैंक यू सर। आप बताइए, बोलिए, आप भी युवा हैं और काफ़ी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, तो जो मिथ्या फैलाई थी वो तो टूट चुकी है, मनोहर लाल आ चुके हैं, दोबारा बन भी चुके हैं, जो षड्यंत्र रचा गया था वो पूरा नहीं हुआ है लोगों का, लेकिन काफ़ी वर्षों के बाद। धन्यवाद मुन्ना लांबा जी। मैं बताना चाहूँगा कि एक्सपीरियंस वाला ही नहीं, अब की बार तो जो डिप्टी CM बना है वो भी 10 दिन पहले, इलेक्शन से 10 दिन पहले यहाँ सतनाली आके गया है। इस प्रकार के भ्रम केवल सतनाली का विकास रोकने के लिए फैलाए गए थे। और मैं तो ये कहूँगा सतनाली सतनाली नहीं, महेंद्रगढ़ जब हरियाणा बना था तो 7वां ज़िला होता था, लेकिन आज पिछड़ों में महेंद्रगढ़ की गिनती होती है। कहीं ना कहीं उन्होंने सतनाली के साथ साथ महेंद्रगढ़ को भी पिछड़ा रखने के लिए ये षड्यंत्र फैलाए गए हैं, क्योंकि वो महेंद्रगढ़ और सतनाली के कभी भी हितैषी नहीं रहे हैं, राकेश जी आप भी बता दीजिए, BJP के बहुत बड़े पदाधिकारी प्रदेश क्या अध्यक्ष हैं, क्या कार्यकारिणी में ले रखे हैं, तो आप बताइए, आप भी यहाँ BJP के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, तो अभी मनोहर लाल बन चुके हैं, ये मिथ्या टूट चुकी है, दीवान जी ने बताया भाई षड्यंत्र करके रोका गया है विकास को, अगर यहाँ CM आते रहते रेगुलर तो पता नहीं सतनाली कहाँ से कहाँ पहुँच जाता, परंतु राजस्थान 70 गाँव का केंद्र बिंदु फिर भी पिछड़ा हुआ है। बल्ली शेखावत ने बताया CHA तक यहाँ है नहीं, तो आप बताइए क्या कहना। धन्यवाद लांबा साहब, ये आपने बिल्कुल सही बात कही है कि जो मिथ्या थी, सभी लोगों ने बताया कि जैसे मिथ्या थी, जैसे CM आता वो दोबारा बनता नहीं। मनोहर लाल जी बने, उससे पहले बताया भाई चौटाला साहब भी बने, बंसीलाल जी बने, और जब CM साहब से किसी भी पार्टी के हो, जब भी किसी इलाके में आते हैं तो वहाँ पे विकास कार्यों की स्वाभाविक है, वहाँ पे विकास होता है, रोड का हो किसी को, तो ये जब CM साहब नहीं आए तो हमारा क्षेत्र पिछड़ा रहा है। हाँ जी ठीक है, आप बोलिए। हाँ जी, आपका क्या लग रहा है, वास्तव में ही ये मिथ्या टूट चुकी है, आपका क्या विचार है? कलंक लगाया गया था सतनाली क्षेत्र। हाँ जी, ये कलंक लगाया गया था, मिथ्या टूट चुकी है, अब ये दुष्प्रचार था, गलत है ऐसे, और सतनाली के एरिया को विकास को रोकने के लिए ऐसा किया गया था, यदि है। हाँ तो ठीक है सर, तो हमारे साथ यहाँ दीवान जी हैं, हम उनसे जानेंगे थोड़ी सी विस्तार से, दो बातें और उनसे। सिर्फ दीवान जी आप मुझे ये बताइए, अब मिथ्या टूट चुकी है, पूरे हरियाणा में भ्रम फैलाया गया था, यानी कि अन्य जिलों में भी, अन्य राज्यों में भी ये बात फैली हुई थी, सतनाली के काल है, सतनाली के अभिशाप है, सतनाली पता नहीं क्या क्या किस किस उपाधि थी, से लोग नाम लेके बोलते थे, यहाँ सतनाली क्षेत्र के कोई भी लोग बाहर जाता था तो लोग हंसते थे उनको बोल बोल के, अरे यार वो कलियुग की सतनाली से आ गया ये, अरे यार वो अभिशाप वाली सतनाली से आ गया, वो मजाक के टोट कसते थे। तो ये मिथ्या टूट चुकी, अब आगे का विकास किस तरीके से गति पकड़ेगा? ये लांबा साहब बिल्कुल आप बिल्कुल सत्य बात बता रहे हैं कि हरियाणा में हम किसी भी ज़िले में जाके अपना परिचय देते थे कि मैं दीवान सिंह सतनाली, अरे साहब सतनाली के बारे में हम तो पता नहीं क्या क्या सुनते हैं, वहाँ जाने पे ये हो गया वो हो गया, लांबा साहब एक शर्म सी आती थी।
और झिझकते थे अपने आप को सतनाली का बताते हुए, शर्म के मारे महेंद्रगढ़ का ही बताना पड़ता था। सतनाली अपने आप में एक परिपूर्ण क्षेत्र है, महेंद्रगढ़ विधानसभा क्षेत्र महेंद्रगढ़ सतनाली विधानसभा क्षेत्र है। यहाँ सतनाली लगभग 80 गांवों का एक केंद्र है, इसको 80 गांव जो राजस्थान और हरियाणा के मिलके बनते हैं। रेल का यहाँ प्रमुख मार्ग है अपने दिल्ली से बीकानेर के लिए, वो भी अंग्रेजों के ज़माने से यहाँ पे रेलवे की लाइन है। सतनाली के बहादुर आदमियों ने, सतनाली की जनता ने उस टाइम तत्कालीन जो महाराजा बीकानेर थे, जो अपने खर्चे पर ये रेलवे लाइन लेके जा रहे थे, तो इन्होंने रेलवे लाइन के लिए सतनाली के लोगों को मुआवजा देना चाहा, तो सतनाली की बहादुर जनता ने मुआवजा लेने से इनकार कर दिया कि आप लोग जनता की भलाई के लिए इतना कर रहे हैं तो हम भी अपनी ज़मीन का जो छोटा मोटा हिस्सा हमारा प्रभावित हुआ है उसको छोड़ते हैं। सतनाली की जनता, सतनाली के लोग आज भारतीय सेना में बड़े बड़े पदों पर तैनात हैं और अपना शौर्य व कीर्ति की वो फैला रहे हैं। सतनाली में सैनिक बाहुल्य क्षेत्र होने के बावजूद सतनाली की कोई सुध लेने वाला था नहीं, क्योंकि सतनाली के दुश्मन ज़्यादा सक्रिय थे। यहाँ पे हमने बार बार यहाँ पे हमने प्रयास किया, लोगों को ज्ञापन वगैरह सौंपे, बाकी सतनाली की रेल संबंधी मांगें भी पूरी नहीं हो पाई। सतनाली की CHC की बड़ी पुरानी मांग है, PWD डिपार्टमेंट ने सतनाली CHC की जो बिल्डिंग है उसको पिछले 15 सालों से जर्जर घोषित किया हुआ है, ना अनाज मंडी ना सब्जी मंडी। और अनाज मंडी नाम की एक अनाज मंडी है जहाँ किसानों का अनाज गल जाता है, खुले में पड़ा रहता है, बरसात और आंधी पानी का भय रहता है हमेशा। न सब्जी मंडी यहाँ पे है, न किसी प्रकार की कोई इंडस्ट्री यहाँ पे है। ये सब सतनाली बहुत बुरी तरह से पिछड़ा हुआ है और कई बार तो लगता है कि हम सतनाली ये है ये पाकिस्तान में है, न कि हरियाणा या भारत में, ओके पाकिस्तान में है। कहीं न कहीं ये दुष्प्रचार फैला गया, उसका भी प्रभाव पड़ा है क्योंकि मुख्यमंत्री यहाँ आ नहीं पाए। बिल्कुल मुन्ना लांबा जी, मुख्यमंत्री यहाँ आ नहीं पाए इन जो ये दुष्प्रचार है इसकी वजह से, और सतनाली का विकास 100% 100% प्रभावित हुआ है। हाँ, मैं आप लोगों के माध्यम से उन ताकतों को ये बिल्कुल जवाब देना चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी सतनाली में आए, पुरानी बातों को भूल जाओ और वो दोबारा CM बने और 5 साल तक JJP और BJP की गवर्नमेंट बिल्कुल निर्बाध रूप से काम करेगी। और ये आप लोगों के लिए करारा जवाब है, आइंदा अगर किसी ने इस टाइप की हिमाकत की तो उसका हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। थैंक यू सर। सर आप भी बता दीजिए, फौजी आदमी रिटायरमेंट हैं तो जो मिथ्या फैलाई गई थी, राठौड़ साहब तो अभी टूट चुकी है, मनोहर लाल जी आ चुके, CM भी बन चुके, दीवान जी ने बताया यहाँ 100% दो असामाजिक ताकतें हैं जिन्होंने भ्रमित किया था पूरे हरियाणा प्रदेश को, सभी को नेताओं को डरा दिया था, वो भय में थे कहीं सतनाने जाएंगे तो तुम्हारे हाल बोई ना हो, तो अब वो तो टूट चुका है और विकास हुए नहीं यहाँ पे, वास्तव में ही ये सच्चाई है। तो आपका क्या कहना? विकास हुआ ही नहीं, इसी वजह से विकास नहीं हो रहा। बाडा हमारे से बाद में, वहाँ CSD भी है और ECH भी है, यहाँ के फौजियों को बाडा जाना पड़ता है, बूढ़े हो गए, या महेंद्रगढ़ जाना पड़ता है या दूर दूर जाना पड़ता है। और अगर सतनाली इतना बड़ा शहर, 20 गांव लगते हैं और सबसे ज़्यादा फौजी इसी इलाका के हैं, उनको कोई सुविधा नहीं है, यही वजह है कि यहाँ कोई बड़े आए नहीं और विकास हो नहीं पाया, यही हो रहा है। थैंक यू साहब। तो बल्ली भाई, मैं आपसे जानना चाहूँगा, दीवान जी ने बताया सही बात बताई है, यहाँ 100% विकास नहीं हुआ। आज यहाँ जो काम 17 साल पहले थे वो कि वो हैं, सतनाली में कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ है, तो वास्तव में ही मुख्यमंत्री ना आने के कारण ये काम अधर में अटके हुए। यही है। एक दूसरा कारण हमारे लिए विशेष ये रहा, जो परिसीमन में हमारे 22 गांव थे वो पहले लुहारू हल्के में पड़ते थे, तो लुहारू हल्के में वोट तो लुहारू हल्के में पड़ते थे, लेकिन हमारा डिस्ट्रिक्ट महेंद्रगढ़ होता था, तो एक वो भी था, दूसरा ये भी था। ये दो कारणों की वजह से हमारा इलाका पिछड़ा हुआ रहा। एडवोकेट साहब बाबूजी क्या कहना चाहेंगे? मैं लोगों से यही कहना चाहूँगा कि आप JJP और BJP की जो सरकार बनी है उसका साथ दें और 5 साल तक ये सरकार बहुत अच्छी चलेगी, और इस मिथ्या को हमारे जो CM बने हैं इन्होंने तोड़ दिया है, और आगे भी ये विकास में दोनों CM और उप CM
मिलकर इस सरकार को चलाएंगे, अच्छे तरीके चलाएंगे और विकास होगा सतनाली में, बहुत जोरदार विकास होगा। मैं ये कहना चाहूँगा अब मुख्यमंत्री जी से यही अनुरोध करना चाहूँगा, जब भी कोई प्रोग्राम महेंद्रगढ़ इलाके का बने तो हमारे सतनाली में आए और सतनाली का ही जो भी आप उद्घाटन वगैरह शिलान्यास वगैरह है वो पहले जब भी मुख्यमंत्री जी आते थे वो महेंद्रगढ़ से करके चले जाते थे, वो सतनाली में पधारे हैं, जनता उनका धन्यवाद करेगी और सारे काम विकास के कार्य करके जाए। दीवान जी आपसे एक बात जानना चाहूँगा, बल्ली भाई ने सही बोला, मुख्यमंत्री जो भी कोई प्रोग्राम हो सबसे पहले हमारे सतनाली में जिले का प्रोग्राम हो। पहले जो मुख्यमंत्री आते थे भय में रहते थे, महेंद्रगढ़ से ही वो रिबन वगैरह काट के चले जाते थे, यहाँ नहीं पहुँचते थे। अब आप मांग उठाइए बल्ली शेखाव जी ने, साफ बोला है कि मुख्यमंत्री यहाँ सबसे पहले यहाँ आए, मान सम्मान करेंगे और अपने हाथों से फीता काटे, क्या कहेंगे मुख्यमंत्री को, क्या कहेंगे? मैं मुख्यमंत्री जी से आप लोगों के माध्यम से अनुरोध करना चाहूँगा कि सतनाली में आकर जो सतनाली के नवनिर्मित भवन पंचायत भवन है और ITI है, आकर के उनका उद्घाटन करें और सतनाली की CHC का काम का शुभारंभ करें और सतनाली की जनता यहाँ पे उनका बहुत बहुत स्वागत करने के लिए तैयार बैठी है। तो मैं आमंत्रित करता हूँ आपके माध्यम से मनोहर लाल खट्टर जी को और माननीय डिप्टी CM दुष्यंत चौटाला जी को, वो यहाँ पर आएं और आकर के सतनाली की जनता से सम्मान प्राप्त करें और उनके काम करने का प्रयास करें। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ ये सतनाली के बुद्धिजीवी बने हुए थे सारे, साफ शब्दों में कहा है असामाजिक ताकतें मुंह तोड़ जवाब देंगे, आइंदा अगर इस तरीके से भ्रमित किया गया लोगों को या दुष्प्रचार फैलाया सतनाली के बारे में, मुख्यमंत्री ने मिथ्या तोड़ दी है, दोबारा CM बन चुके हैं और इन्होंने सीधा मुख्यमंत्री को भी बोला है, हमारी बात मुख्यमंत्री सुन भी रहेंगे शायद, सतनाली में आए जो भी शिलान्यास को अपने हाथों से करें उनका मान सम्मान भी करेगी सतनाली की जनता। तो इस बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट में राय जरूर दीजिए, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, अगर आप ट्विटर और फेसबुक देख रहे हो तो पेज को फॉलो जरूर कीजिए। मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी प्रिंस लांबा के साथ हरियाणा न्यूज 24, नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ।